सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो दोस्तों आज आपको बताते हैं किसमें कितना है दम के सेट पे। जब रवि किशन के सामने उसका मतलबी दोस्त आया तो रवि किशन ने अपने प्यार को पाने के लिए कैसे अपने मतलबी दोस्त को बाहर किया, उसका रास्ता साफ किया और उसके बिछाए हुए जाल का पर्दाफाश किया। तो सबसे पहले देखते हैं जब उसका दोस्त आया। अबे यार तुम तो बड़े पगले आदमी निकले हैं, मतलब तुम उस लड़की के लिए रवि बाबू अपने पिता की इतनी बड़ी जायदाद छोड़ के चले आए। अबे खाली कटोरे में तो आजकल कोई भी भीख नहीं देता जब तक उसमें चार पांच चिल्ले पहले से ना पड़े। अबे थोड़ा रेपुटेटेड भिखारी बनो। बाबू हम क्या बताएं, हम जब जब निर्जला को देखते हैं हम सब कुछ भुला जाते हैं बाबू। बाबू हम निर्जला हमारा पहला प्यार बिल्कुल अखंड मंड प्रचंड ज्वालाओं से झुलस के बाबू हम उसके संग ब्याह करेंगे, विवाह करेंगे, बर्बाद अपना जीवन कर लेंगे, हम अपने बाप की भी चिंता नहीं करेंगे। अबे लेकिन उसकी इतनी सारी जायदाद दौलत तुम छोड़ दोगे हैं? और तुम एक बात बताओ, तुम अगर अपने बाप से जाके माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर मेरे पैसे कैसे चुकाओगे? तुम्हें तो बताया था तुम्हारे घर के बगल में दोनों बैंक हैं, एक बैंक में मेरा अकाउंट है, एक बैंक में तेरा अकाउंट है। तूने अपने अकाउंट में पैसे डाले, आज तक मेरे में नहीं आए। बाबू हम तुमको एक उदाहरण देते हैं, एक बात बताओ बाबू, कोई आदमी सुबह रामघाट पे टहिल्ला और मान लो वो वहीं मर गया तो क्या उसको वहीं जला दोगे? बाबू घर लाओगे, कपड़े पहनाओगे, चाचा आएंगे, चाची आएंगी, मातम होगा, माथा पीटी रोएंगे सब लोग, तब जाके जलाओगे? ऐसे ही बाबू सिस्टम है। अच्छा एक बात बताओ, चलो पैसे का तो हम मान लिया, हम भूल जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ तुम उससे शादी कैसे करोगे? उसके नाम पे तो तुम्हारे पसीने छूट जाते हो, उसके बाबूजी तुम्हारे जैसे भिखारी को कभी उसका हाथ दिए? बाबू हम कुछ भी करके हम उसको अपना लेंगे, हम उसके पिताजी के पांव लगातानी, गोड़ लगातानी, सब कुछ लगातानी, गला लगातानी, लेकिन हम बाबू उससे हम विवाह कर के ही मानेंगे। बाबू एक बात बताओ, तुम क्या कर सकते हो अपने प्यार को पाने के लिए? यार वैसे तो हमको कभी प्यार हुआ नहीं, लेकिन हाँ अगर कभी हुआ ना तो हम सबसे पहले ये देखेंगे लड़की के बाप के पास जायदाद कितनी है, और अगर उसकी जायदाद में उसका कोई वारिस भी है तो फिर हम ये देखेंगे कि वो लड़की को दहेज देने के बाद उसको प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा देने में विश्वास रखता है कि नहीं। बाबू हम समझ गए तुम बिल्कुल स्वार्थी आदमी हो, बाबू तुम बिल्कुल भी दोस्ती करने लायक नहीं हो बाबू। बाबू इसलिए हम तुम्हारे मुंह पे थूक के जा रहे अपना खैनी वाला पान। हथू टैलेंट का महासंग्राम, जेकर तुसी टैलेंट का महासंग्राम विच भाग लेना चाहते हो तो तुसी अपने आप नू ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। मोबाइल 9041249249 9041773733।